बर्थडे टुडे। हरे कृष्णा, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज है मेरा बर्थडे, और आज के दिन क्या स्पेशल मैं करने वाली हूँ ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरा तो हर दिन स्पेशल होता है। लाइक जो हम भगवान की पूजा करते हैं, जपा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये सब दिन, ये सारी चीज़ें तो हर दिन बहुत स्पेशल होता है। बट आज यस, थोड़ा बहुत हम इस दिन को थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करेंगे, और आज जितना भी हमसे कैप्चर हो पाएगा हम आज का व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। बट यस, एक बहुत अच्छा वीडियो भी मैं शूट करने जा रही हूँ आज, और जिसे आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें भी करूँगी। बट फिलहाल अभी जाती हूँ और भोग की तैयारी कर लेते हैं हम, और उसके बाद हम आप सभी से शाम को मिलेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं नारियल का लड्डू, और यहाँ पे उबल रहा है आलू और सोयाबीन, और हम लोग आलू सोयाबीन की टिक्की बनाएंगे, और आज वो होगा हमारा डिनर भोग। और अभी हम अपना आलू टिक्की बनने का वेट कर रहे हैं, तो ये अच्छे से सीख जाए फिर बस। हरे कृष्णा, और ये है मेरा बर्थडे सेटअप। तो ये रहा आज का हमारा लड्डू, और ये रहा आलू और सोयाबीन का टिक्की, और ये रहा मेरा बर्थडे गिफ्ट। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली ये वाला बर्थडे गिफ्ट क्यों है, ताकि हम इन फूलों को भगवान श्री कृष्ण में चढ़ा सके, इसलिए ये वाला बर्थडे गिफ्ट है। ये हरे कृष्णा। और ये था मेरा एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसमें हमने बहुत सारा कुछ नहीं किया, बट जैसा कि मैंने कहा था कि एवरीडे हमारा स्पेशल होता है,
और मैंने ये भी बोला था कि मैं आप लोगों से कुछ स्पेशल बातें भी करूँगी। तो वंस अगेन वो बातें ये है कि मैंने सोच रखा था कि मैं अपने बर्थडे के दिन आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करूँगी। तो पिछले काफ़ी टाइम से जो मैं इतने सारे वीडियोस शेयर कर रही हूँ, इतनी सारी अपनी बातें शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, भागवत गीता को लेकर और बहुत सारी और चीज़ों को लेकर। तो दिस इज़ हाउ आई एम सरेंडरिंग टू कृष्णा। इसे मैंने अभी तक अपने इतने सारे वीडियोस में इस तरह की कोई बातें नहीं की है। तो जब मैंने भगवद गीता पढ़ी, जब मैं भगवद गीता पढ़ रही थी, तब मेरे मन में जो बहुत सारे सवाल थे और जब उन सवालों के जवाब मुझे मिले और जब मैंने भगवद गीता पढ़ लिया, जब मैंने चैंटिंग स्टार्ट कर दी, मतलब जब मैं भगवद गीता पढ़ रही थी तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी पूरी लाइफ कृष्ण को देना चाहती हूँ, कृष्ण भक्ति को देना चाहती हूँ, कृष्ण भक्ति में लगाना चाहती हूँ। और दिस इज़ माय बिगेस्ट और बेस्ट डिसीज़न मैंने जो अपनी पूरी लाइफ में किया। मेरा कैमरा बार बार नीचे की तरफ चला जा रहा है तो मुझे बार बार उसे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर फॉर सो लॉन्ग कि मैं अपनी लाइफ में अब जो कुछ भी करूँगी, माई पेंटिंग्स, माई डांस, माई मेरा खाना, मेरा वीडियोज, सब कुछ कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण को समर्पित रहेगा। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं अपनी इस लाइफ में ये कर पा रही हूँ और साथ ही ये इस तरह का कोई मैसेज वाला वीडियो भी बना पा रही हूँ। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस कि हम कृष्ण को क्या चुनेंगे, कृष्णा ने हमें चुना कि हम उनकी भक्ति कर सके। और यस, मैं अकेले नहीं हूँ इस घर में जो उनकी भक्ति कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड हैं जो कि पूरी तरह से मेरा साथ दे रहे हैं इस रास्ते में, और वो भी पूरी तरह से भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। वी बोथ आर ट्राइंग टुगेदर भक्ति में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें एक साथ। तो यस, मैंने जो भी कहा कि मैं अपनी पेंटिंग्स, तो आज के बाद से मेरी जो भी पेंटिंग्स होंगी, जो मैं भगवद गीता जो मैंने पढ़ना शुरू किया था तब मैं काफ़ी सारे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी साथ में मेरी लाइफ में, और उस वक्त मैंने पेंटिंग को थोड़ा स्टॉप किया था। और उस कुछ टाइम के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे सिर्फ कृष्ण की पेंटिंग बनानी है। बट यस, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ कृष्ण की पेंटिंग या फिर जो भी ऐसी पेंटिंग्स मैं बनाऊँ जो कृष्ण से रिलेटेड हो, अगर कभी सिर्फ कृष्ण की ही पेंटिंग्स नहीं बनाती हूँ मैं, तो मैंने जो कुछ भी आज तक मैंने पेंटिंग्स बनाई, जो भी चित्रकला आपने मेरी देखी है वो मैंने खुद से सीखी है, जो भी पेंटिंग्स मैं बनाती रही हूँ। तो मतलब मैंने खुद से सीखा है, मीन्स ऑब्वियसली कृष्ण के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो पेंटिंग्स भी कृष्ण के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। तो ऑब्वियसली जब मुझे ये कन्फर्म हो गया, जब मुझे रियलाइज़ हो गया, तो अब मैं जो भी पेंटिंग्स बनाती हूँ वो मैं चाहूँगी कि मैं कृष्णा की बनाऊँ। और इतना जो कुछ भी मैंने ट्राई किया था पेंटिंग्स करने का, तो उसमें बहुत मेहनत लगी थी। और अभी जब कान्हा जी की, ठाकुर जी की मैं पेंटिंग्स बनाना चाहती हूँ, तो उसमें भी बहुत मेहनत लगने वाली है फिर से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी भी ख़राब बने, किसी भी पेंटिंग्स में थोड़ी सी भी खराबी रहे। तो उसके लिए मुझे फिर से बहुत सारी मेहनत करनी होगी, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। और
रही बात डांस की, तो डांस आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि अभी फ़िलहाल तो मैंने 2-3 डांस ही किए हैं जो मैंने कृष्ण के सॉन्ग में, कृष्ण के भजन में किया है, और आई विल ट्राई इसमें भी, डांस में भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं कृष्ण के सॉन्ग्स में, कृष्ण के भजन में करूँ। और मेरे जो भी वीडियोज़ बनते हैं वो कभी भी बकवास वाले वीडियोस नहीं होंगे, बेकार वाले व्लॉग्स नहीं होंगे। लाइक मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं कुछ यू नो वैल्यूएबल कंटेंट्स ला सकूँ, आप लोगों की लाइफ में वैल्यूएबल कंटेंट्स ऐड कर सकूँ, यू नो जो आपकी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए और आपको कहीं से भी वो भगवान से कनेक्ट कर सके, ऐसे वीडियोज़ मैं बनाऊँ। तो लाइक ओवरऑल मैं जो कुछ भी करूँगी वो भगवान से रिलेटेड होगा, भगवान को समर्पित होगा, और यस मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगेन ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं हमेशा कृष्णा की पेंटिंग्स बनाऊँ, बट ये कृष्णा से रिलेटेड ज़रूर होगा और हमारे भारतीय कल्चर से रिलेटेड होगा। लाइक अगर मैं डांस भी करती हूँ तो आई विल ट्राई कि कभी भी इधर उधर के बकवास वाले सॉन्ग्स में मैं डांस वगैरह ना करूँ, वो जो भी रहे भारतीय कल्चर को यू नो दिखाए, और क्लासिकल हो, लाइक मेरी पेंटिंग्स भी वैसे ही हो कि मैं इधर उधर की पेंटिंग्स ना करूँ, और मेरे वीडियोस भी वैसे हो कि मैं इधर उधर के फालतू वीडियोस ना बनाऊँ। और अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है, कभी आप लोगों को लगे ऐसा कि मैंने आज जो कहा है, आज के वीडियो में जो कहा है वो मैं नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे रास्ता दिखाइएगा, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा कि आपने तुमने जो भी वो कहा था और तुम ये कर रही हो, तो आप लोग मुझे सही रास्ता दिखाइएगा। बट येस दिस इज़ द थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर ऑन माई बर्थडे। तो और मैंने अपना बर्थडे जो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, जो मैंने सेलिब्रेट किया है, साथ ही मैं भी बताना चाहूँगी कि हर साल, नॉट ओनली दिस ईयर बट एवरी ईयर, हम यू नो अपने बर्थडे में, लाइक मैं और मेरे हस्बैंड हरीश, तो हम दोनों अपने बर्थडे में डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं। तो आई नो कि इसे लोग कह सकते हैं कि क्या ज़रूरत है इस तरह की बातों को वीडियोस में बताने की। तो मैंने नोटिस किया है ये चीज़ जो है अपने यू नो सर्कल में, अपने ग्रुप में, कि इस तरह की जो जब बातें हम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत मोटिवेट करती है एक अच्छे वे पे, अपनी एक अच्छे वे पे, एक अच्छे डायरेक्शन पे अपनी लाइफ को ले जाने के लिए। तो इसलिए इस तरह की जो बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें, और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए यू नो बातें करें। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिंपल सा छोटा सा वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में किसी नए चीज़ के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।